तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मेरी रसोई पे। तो ये जो सामग्री आप देख रहे हो, इससे मैं सांभर बनाने वाली हूँ या फिर बोलो मिक्स सब्जी, क्योंकि इसके साथ मैं सूजी का इडली बनाने वाली हूँ। तो आइए आप सबके साथ शेयर करती हूँ ये रेसिपी। तो ये मैंने सूजी और बेसन को रात को ही भिगो लिया था, आप चाहें तो 4-5 घंटे पहले भी भिगो लीजिए। और जब ये अच्छे से फूल जाए तो एक गहरी थाली में तेल लगा लीजिए या घी लगा लीजिए, कुछ भी लगा के ये मिश्रण उसमें उड़ेल दें। एक कढ़ाई में पानी उबाल लें, उसमें इस तरह का कोई भी स्टैंड डालकर, और उस थाली को उस पर ढक के रख दें और उसे कम से कम 10-15 मिनट भाप में सीजने। जब ये सीझ जाए तो फिर इसे निकाल कर आप इसे किसी भी आकार में काट लें, गोल काट लें, लंबाई में काट लें, चौकोर काट लें, आप जैसे चाहें इसे काट लें। ये देखिए कितना स्पंजी बना हुआ है, इसमें कितनी अच्छी जालियाँ आई हुई हैं। तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्वादिष्ट इडली बनी है। आप इसे कैसे भी आकार दे लो, क्या फर्क पड़ता है, खाना ही तो है। तो इस तरह से आप मनचाहे आकार में काट लें। और इसके बाद आप इसमें राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगा दें, और इसके बाद इसे आप सॉस, चटनी, सांभर या फिर रस वाली सब्जी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और बहुत ही आसानी से कम सामान में बन जाने वाली चीज़ है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है और बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें।